हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी को कोट कटिंग पार्ट टू फ्रंट कटिंग करना बताऊंगा। मेजरमेंट आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। सबसे पहले 1 इंच का मार्क लगाएंगे कोर पट्टी से। सारे मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्किप करके ना देखें वरना आप पॉइंट को मिस कर देंगे, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अब हम बैक को रख के सारे मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। अब हम सामने 1/4 इंच बढ़ाकर मार्क को स्ट्रेट करेंगे। लंबाई हमारी है 29.5, तो पहले काज का निशान लगाएंगे 10 इंच पर। उसके बाद हम 2.25 इंच का निशान लगाएंगे वहाँ गोलाई देने के लिए, और शेप पट्टी से शेप करके वहाँ गोलाई के दे देंगे। अब हम सेकंड काज का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर। चेस्ट हमारी है 44, तो 44 को 4 में डिवाइड करेंगे तो 11 इंच हो गया। 11 इंच में 1 इंच माइनस करके 10 इंच पर निशान लगाएंगे, और शोल्डर वाले निशान को चेस्ट वाले निशान को मिलाकर एक स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम लोग हाले का एक बीच सेंटर करेंगे। बीच सेंटर करके हम लोग एक मार्क ले लेंगे, और मार्क से 1/4 इंच एक अंदर मार्क कर लेंगे। सेकेंड काज से 1/2 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे। मार्क करके हाले वाले मार्क को क्रॉस में स्ट्रेट कर लेंगे। ब्रेस की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। आप चाहें तो 3 इंच भी रख सकते हैं और 2.5 इंच भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम शेप पट्टी को उल्टा रखकर शेप पट्टी से शेप कर देंगे। ऊपर से हम शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच पर, और मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम वॉलेट पॉकेट का निशान लगाएंगे। वॉलेट पॉकेट 1/2 इंच अंदर और 4 इंच का वॉलेट पॉकेट बनाएंगे। अब हम बैक लेंगे, बैक का शोल्डर मिला लेंगे। शोल्डर में हल्का सा दमक दिया जाता है, जिसके वजह से हल्का सा कम निशान लगा के शोल्डर को मार्क करके उसको शेप पट्टी से हम शेप दे देंगे। शेप पट्टी को शेप देने के लिए हमें शेप इस तरीके से दिया जाता है, आप देख लीजिए। अब हम चेस्ट वाले निशान से, नीचे वाले निशान से 2.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे और शेप पट्टी से शेप दे देंगे इस तरीके से, देख लीजिए आप।
अब हम लूजिंग का मार्क लगाएंगे। लूजिंग हिप पे 3.5 इंच और स्टमक पे 3.5 इंच और चेस्ट पे 4.5 इंच देता हूँ। इसके बाद हम वॉलेट का बीच सेंटर कर लेंगे। वॉलेट का जो बीच सेंटर का मार्क है उसको नाप कर मेजरमेंट करके फिर पॉकेट का निशान लगाएंगे। पॉकेट हमारी 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगेगा, मार्क लगेगा, उसमें 1 इंच जो अंदर की तरफ हम मार्क करेंगे वो डॉट के लिए होता है, जो कि वॉलेट पॉकेट से 2.5 इंच नीचे निशान लगाया जाता है। फ्लैप जो हमारी लगेगी वो 2.25 इंच की लगेगी, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम चेस्ट के मार्क से 2.25 इंच आगे की तरफ निशान लगाएंगे और चेस्ट का चौथा भाग 11 होता है बट हम 10 पर निशान लगा के उस मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद ऊपर की तरफ शेप दे देंगे। हम पेट डार्ट निकालेंगे। पेट डार्ट हमारा 1.25 इंच का होगा। डार्ट से हम 4.5 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद शेप पट्टी से उसको शेप दे देंगे। तो हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर कोई मिस्टेक आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। तो जो लूजिंग का मार्क हमने दिया है उस मार्क पर हम हिप का आधा करके और बैक का जो हमने कटिंग किया है उसको माइनस करके निशान लगा लेंगे। जितना मार्क हमारे हिप के पास है उसी मार्क को हम ऊपर उठाएंगे, स्टमक के पास और चेस्ट के पास। दोस्तों स्टमक हमारी है 42 इंच, 42 इंच का आधा 21 होता है। 21 वाले पॉइंट को आप जो लूजिंग वाली मार्क है वहाँ पर रख के बैक वाला पोर्शन आप छांट देंगे। तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करें। हम 1 इंच पेट डॉट निकालेंगे। अब हम बैक में 1.25 इंच का डार्ट का निशान लगा के वहाँ हम शेप कर देंगे। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप करके ना देखें वरना आप पॉइंट मिस कर देंगे, इसलिए आप शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें।